मॉर्निंग चिल्ड्रन, बहुत बच्चों ने ट्राई किया है नया प्रेयर गाने के लिए और भेजने के लिए. वेरी गुड, कीप इट अप. आई एम गोइंग टू सिंग द होल प्रेयर टुडे. आज जो लास्ट पैराग्राफ बचा है वो भी मैं आज भेजूंगी, उसका लिरिक्स भी भेजूंगी वापस. आप सब लोग रीड करो और मेरा भी जो है वो वीडियो देख के वापस उसको सिंग करके भेजिए. ओके, सो द प्रेयर्स नेम इज साइलेंट नाइट. व्हाट इज द प्रेयर्स नेम? साइलेंट नाइट. तो मैं फर्स्ट सिर्फ लास्ट पैराग्राफ अभी बोल रही हूँ आपको एंड देन फिर पूरा पोयम हम लोग करेंगे. ओके, साइलेंट नाइट, होली नाइट, सन ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड, ओ लव्स प्योर लाइट, ओ लव्स प्योर लाइट, रेडियंट बीम्स, रेडियंट बीम्स फ्रॉम थाई होली फेस, फ्रॉम थाई होली फेस, विथ द डॉन, विथ द डॉन ऑफ रिडीमिंग ग्रेस, ऑफ रिडीमिंग ग्रेस, जीसस लॉर्ड एट थाई बर्थ, जीसस लॉर्ड थाई बर्थ. जीसस कौन है? क्रिश्चियंस जैसे हम अलग, हिंदू लोग अलग अलग गॉड को प्रे करते हैं, जैसे कोई गणपति को प्रे करता है, कोई राम को प्रे करता है, कोई सब अलग अलग गॉड को, जैसे वैसे ही क्रिश्चियन लोग जीसस को प्रे करते हैं. किसको प्रे करते हैं? जीसस. तो ये जो पूरा प्रेयर है वो जीसस के लिए है. किसके लिए है? जीसस के लिए. और अभी दिसंबर में क्रिसमस आएगा, इसके लिए हमको ये प्रेयर सीखना है. ओके, सो आई एम गोइंग टू सिंग द होल सॉन्ग नाउ अगेन. साइलेंट नाइट, होली नाइट, ऑल इज काम, ऑल इज ब्राइट, राउंड यू वर्जिन मदर एंड चाइल्ड, होली इन्फेंट सो टेंडर एंड माइल्ड, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace, silent night, holy night, shepherds quick at the sight, glory stream from heaven afar, heavenly hosts sing alleluia, Christ the Savior is born, Christ the Savior is born, Christ the Savior is born. Silent night, holy night, Son of God, O love's pure light, radiant beams from thy holy face, with the dawn of redeeming grace, Jesus Lord at thy birth, Jesus Lord at thy birth, Jesus Lord at thy birth. Okay, so this poem, now I'm going to send the lyrics with this. You all need to sing it, record it and send it. Now we'll start with English. We are starting with a new chapter today. The chapter's name is Buying Things. What is the chapter's name? Buying Things. Buying Things matlab kuch kharidna, cheeje kharidna. So that is the chapter's name.
Soham and Reva are going to a shop with their parents. इसमें क्या लिखा है? सोहम और रेवा दोनों जन अपने पेरेंट्स के साथ, अपने मॉम डैड के साथ शॉप में जा रहे हैं कुछ खरीदने के लिए, दुकान में जा रहे हैं. What a big shop! कितना बड़ा शॉप है ये. Mother wanted to buy some things. Father wanted to buy some things. तो किसको किसको खरीदना था? मदर को भी खरीदना था एंड फादर को भी खरीदना था. ओके, हाउ अबाउट यू चिल्ड्रन? मदर और फादर किसको पूछते हैं? बच्चों को. बच्चों का नाम क्या है? सोहम एंड रेवा. तो उनको पूछते हैं, आपको भी कुछ खरीदना है? डू यू वॉन्ट टू बाई समथिंग ऑन योर ओन? कुछ आप अपने हिसाब से अपने मतलब अकेले जाके खरीदेंगे यही शॉप में से? Here's some money. उनको थोड़े पैसे देते हैं उनके पेरेंट्स. You can use it to buy anything you like. आप जो भी आपको खरीदना है वो आप खरीद सकते हो. Shall we buy chocolates? वो लोग सोचते हैं क्या क्या खरीद सकते हैं. Shall we buy chocolates? Shall we buy crayons? Shall we buy a toy? क्या क्या सोचते हैं? क्या हम चॉकलेट खरीदें या क्रेयॉन्स खरीदें या कोई खिलौना खरीदे? प्लीज हेल्प अस मदर, वॉट शुड बी बाय? वो किसके पास जाते हैं? अपनी मम्मी के पास ही जाते हैं और बोलते हैं प्लीज हेल्प अस, हम क्या खरीदे? वेल यू कैन बाय समथिंग दैट विल फिनिश अप क्विकली. मतलब आप ऐसा कुछ खरीदो जो जल्दी फिनिश हो जाए. और यू कैन बाय समथिंग दैट विल लास्ट लॉन्ग. या तो फिर ऐसा खरीदो जो लंबा चले. यू कैन बाय समथिंग मेड बाय अदर्स और यू कैन बाय थिंग्स एंड मेक समथिंग योरसेल्फ. मतलब क्या बोलती है? आप ऐसा कुछ खरीद सकते हो जो दूसरे लोग बनाए हैं और आप यूज करो, या आप ऐसा कुछ खरीदो जो आप खुद बनाओ और खुद यूज करो. ओके, सो आई एम गोइंग टू रीड टिल हियर. ओके, आई विल रीड वन मोर लाइन. That's a good idea. Let's buy things and make new things with them. इधर तक I'll read, okay? So, बोलते हैं कि let's buy, that's a good idea. मतलब वो एक बहुत अच्छा idea है. हम ऐसा कुछ खरीदते हैं जिससे हम कुछ नया चीज बना सकते हैं. Okay? I'll read this chapter again for y'all. The chapter's name is Buying Things. Soham and Reva are going to a shop with their parents. What a big shop! Mother wanted to buy some things. Father wanted to buy some things. How about you, children? Do you want to buy something on your own? Here's some money. You can use it to buy anything you like. Shall we buy chocolates? Shall we buy crayons? Shall we buy a toy? Please help us, mother. What should we buy? Well, you can buy something that will finish up quickly, or you can buy something that will last long. You can buy something made by others, or you can buy things and make something yourself. That's a good idea. Let's buy things and make new things with them. Okay, so this is what you have to do. You need to read this chapter till what I have taught y'all. Y'all will read, record your video and send it to me. This is what y'all need to do for English. Now we'll come to phonics. Ab sabne ye page kiya hai, page number 44. Find the odd letter out. वैसे ही हम आज पेज नंबर 45 करेंगे. ओके, सो आई एम गोइंग टू रीड दीज सेंटेंसेस. आई वॉन्ट यू ऑल टू रीड दिस सेंटेंसेस बिफोर सॉल्विंग दिस. आप सॉल्व करने के पहले ये सेंटेंस रीड करते हुए एक वीडियो निकालिए, सो दैट आई नो यू ऑल आर एबल टू रीड इट ऑन. ओके, सो आई एम इन द वर्ड ब्रांड. आई एम नॉट इन द वर्ड बैंड. I am in the word hook.
आई एम नॉट इन द वर्ड बुक. अभी ब्रांड, ब्रांड का मतलब क्या हुआ? ब्रांड हम बोलते हैं ये बहुत ही अच्छा ब्रांड है, जैसे साबुन का ब्रांड कोई यूज करता है, लक्स कोई यूज करता है कुछ और, तो वो एक ब्रांड है. ओके, सो दैट इज अ ब्रांड. एंड आई एम नॉट इन द वर्ड बैंड, मतलब बैंड क्या होता है, जो म्यूजिशियंस होते हैं उनका एक बैंड होता है, सो दैट इज अ बैंड. आई एम इन द वर्ड हुक, हुक सबको मालूम है और बुक भी सबको मालूम है. आई एम इन द वर्ड शार्प. आई एम नॉट इन द वर्ड हार्प. शार्प मतलब जैसे ये शार्प है, पॉइंटेड है, शार्प, और हार्प एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. आई एम इन द वर्ड बीप. आई एम नॉट इन द वर्ड बी. तो बीप जैसे हॉर्न का आवाज निकलता है तो उसको बोलते हैं बीप. आई एम नॉट इन द वर्ड बी. बी आप सबको मालूम है बी क्या है. आई एम इन द वर्ड क्राउन. आई एम नॉट इन द वर्ड ब्राउन. एवरीबडी नोज वॉट इज दिस. आई एम इन द वर्ड नैरो. आई एम नॉट इन द वर्ड एरो. दिस ऑल्सो एवरीवन नोज. I am in the word cane. I am not in the word cone. I am in the word well. I am not in the word bill. I am in the word pink. I am not in the word ink. I am in the word lamb. I am not in the word lamp. Okay? So these few words, you all know what it means. तो मैं वापस नहीं बोलूंगी. अभी आई एम इन द वर्ड ब्रांड एंड आई एम नॉट इन द वर्ड बैंड, तो कौन सा वर्ड अल्फाबेट आएगा यहाँ पे? आर. सिमिलरली यू विल फिनिश द होल पेज, राइट योर नेम आउट हियर, टेक अ पिक्चर एंड सेंड. दैट्स व्हाट यू ऑल नीड टू डू फॉर फोनिक्स. ओके, नाउ वील डू मैथ्स. कम टू पेज नंबर 59. पेज नंबर 59 वी आर गोइंग टू डू इंट्रोडक्शन 200. Introduction 200. Okay. What you have to do is first understand that we had made these bundles. ये bundles हमने बनाए थे, 10-10 के bundles थे ये सब. Okay. So how many bundles do we need to make it 100? We need 10 bundles. How many bundles? 10 bundles. Okay. So one bundle, two, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and the last bundle is 10th bundle. So these are 10 bundles to make it into 100. Okay, so this is 100 sticks. How many sticks are there? 100 sticks. One bundle of 10, second bundle of 10, third bundle of 10, fourth bundle of 10, fifth bundle of 10, sixth bundle of 10, seventh bundle of 10, eighth bundle of 10, ninth bundle of 10, and 10th bundle of 10. So this all together is 100. How much is it? 100. How do we write 100? Remember, we had done tens and units. We had made two columns where one column was tens and units or ones. Now we have to add one more column on the left saying hundreds. Ek aur column add karenge left side pe. So this will be units or ones. This will be tens and this will be hundreds. What is this? Hundreds. H means hundreds. Okay, how do we write 100? So, 1 will come in hundreds column, 0 will come in tens column, and one more 0 will come in units column or ones column. So, this is how you write 100. What is this? 100. Okay, so this is hundreds column, tens column, and ones column. Okay. So here in the book also it's explained in that manner.
व्हाट इज द सम ऑफ 99 एंड 1, मतलब 99 प्लस 1 कितना होएगा, सो इट विल बी 100. हाउ कैन वी राइट इट, 99 इज इक्वल टू 9 टेंस प्लस 9 यूनिट्स, 9 टेंस प्लस 9 यूनिट्स, तो दिस इज 9 टेंस एंड दीज आर 9 यूनिट्स, एंड व्हेन यू ऐड वन मोर यूनिट इट विल बिकम 10. सो सिमिलरली इफ वी टेक दीज स्टिक्स, ओके, सो इफ वी टेक दीज स्टिक्स, दीज आर 90, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Now, these are 9 and plus we will add 9 sticks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So, this is 9 bundles of 10 and 9 units and 9 units. Now, when I add one more stick to this, it will become 100. How much it will become? 100. So this is 10 bundles of 10 each. 10 bundles of 10 each is 100. Okay. So the same thing is being explained out here. There is no digit bigger than 9. So 9 se jyada bada digit, single digit koi nahi hai. इसलिए हमारे पास 10, 9 के बाद क्या आता है, 10. When there are 10 units in the unit house, make a bundle of them and place it in the house of tens on the left. मैंने जैसे आपको दिखाया, on your left you have to put a digit. Okay, so that is hundreds. So 9 tens plus 1 ten is equal to 10 tens. Now, there are 10 tens in the tens house. Make a big bundle of tens. Place this bundle in a house on the left. This big bundle is known as 100. मतलब ये सारे sticks, जो सारे bundles बनाए, वो एक बड़े house में आ जाएंगे. Okay? When it will come in the big house, then we will write 1 in the hundreds column, 0 in the tens column, and 0 in the units column. So 100 is written as 100, like 100, jaise maine yahan dikhaya, 100. Okay, it contains 100, 0, 10 and 0 units. So 100 is written as 100. This is how it is written as. Okay, so this is how hundreds will come. This is the explanation for hundreds. Ye जैसे मैंने आपको समझाया वैसे ही ये हंड्रेड्स. सो व्हाट यू विल डू, यू विल मेक 10 बंडल्स ऑफ 10, यू विल मेक 10 बंडल्स ऑफ 10 स्टिक्स एंड शो मी हाउ टू कैलकुलेट 100. शो मी हाउ टू कैलकुलेट 100. ओके, आफ्टर यू कैलकुलेट 100, देन इन योर मैथ्स बुक यू विल राइट लाइक दिस, एच टी एंड ओ. And how you will write 100? You will send me a photo of this, after which you will write 1 to 100. 1 to 100 in your maths book and take a picture of that. Maths book mein aaj ke date pe aap ye likhenge 1 to 100. Okay? And you will write 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Remember to make these columns. Jab aap, I'll show you how you have to write. जब आप मैथ्स बुक खोलेंगे, सो यू नीड टू मेक दीज कॉलम्स, यू विल नॉट राइट इट इन वन बॉक्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर मैथ्स बुक. ओके, मेक दिस कॉलम टेंस एंड वंस एंड मेक अ लाइन इन द मिडल. सो जब 1, 2, 3 लिखेंगे तो यू विल राइट लाइक दिस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. अभी 9 के बाद कौन सा नंबर लिखेंगे, 10. सो 10 विल कम 1 and 0. 1 and 0. आफ्टर दैट यू विल कंटिन्यू टू राइट लाइक दिस, 11, 12, 13,
14. Again, on the side, you will make a new column of 10s and 1s. Okay? Then you'll write 15. So, aise aap 100 tak likhoge. Jab aap 90 ke column mein aayenge, then you will make column saying H, T and O. After 90, you will make this column. So, you will write 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 and last number you will write 100. So, ye 100 ke column mein aayega. Okay? So, this is what you need to do. Then you will take a picture. Don't forget to write your name. Children, there are many children still not writing name. Okay? Please write your name on all the worksheets that you are sending, on all the work you are sending. Okay? Now, EVS, come to page number 61. Page number 61. Ye kya hai? Bahut hi simple exercise hai, but bahut hi maza aayega karne mein. It's scribbling. Humko kya karna hai isme? Sirf scribble karna hai. Okay? जैसे यहाँ पे कुछ भी ये लाइन में स्क्रिबल किया गया है, यहाँ पे भी कुछ भी स्क्रिबल किया गया है. ओके, यू कैन यूज डिफरेंट थिंग्स टू स्क्रिबल विथ. मतलब सपोजिंग पॉइंटेड पेंसिल है, कोई पॉइंटेड पेंसिल नहीं, ब्लंट पेंसिल भी यूज कर सकता है, कोई थिक फेल पेन भी यूज कर सकता है, तो कुछ भी आप यूज कर सकते हो. ओके, सो एंड जब भी ये, जैसे ये पूरा इट्स अ कवर्ड थिंग, पूरा एक कवर्ड है, ओपन नहीं है, वहां पे आप कलर भी कर सकते हो, आपको जो कलर पसंद है वो कर सकते हो. ओके, सो व्हाट यू विल डू इज, यू विल जस्ट टेक योर पेंसिल, स्क्रिबल लाइक दिस इन वन लाइन. ओके, सो बेसिकली दिस इज टू बी डन स्क्रिबलिंग विथ लिसनिंग टू म्यूजिक. कोई भी म्यूजिक सुन के भी आप कर सकते हो. मीन्स जो आपको ट्यून जाता है वो म्यूजिक का, वो अगर हाई ट्यून है तो आप बड़ा करेंगे, लो ट्यून है तो छोटा करेंगे. सो दिस इज स्क्रिबलिंग. अब इसमें क्या करना है, यू कैन टेक एनी कलर्स, यू कैन कलर विच वॉट एवर कलर यू लाइक. ओके, यू कैन जस्ट कलर इट, यू कैन टेक एनी डिफरेंट कलर्स, जो भी आपको पसंद है कलर ले सकते हो. वेरी सिंपल एक्सरसाइज एंड फन एक्सरसाइज. Similarly, you will finish the whole thing. Okay? After doing this, turn your page. Again, there are different scribblings done out here. Okay? Similarly, जैसे यहाँ पे scribbling किया गया है, आप नीचे करेंगे. Okay? And you can color whatever part you want to color. Take a photograph, draw it properly, color it properly, write your name. Write your name, don't forget to write your name and take a picture and send it to me. That's all for the day. Have a good day. Bye-bye.